हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने चैनल यूनिक ऑनलाइन ग्रुप पे। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था और मैंने आपसे कहा था कि हम लोग क्या करेंगे इस छुट्टी में, इस वैकेशन में कंप्लीट कोर्स करेंगे स्पोकन इंग्लिश का, जो डे बाय डे वाइज होगा, मतलब जो डे वाइज होगा उसको हम लोग डेली कंप्लीट करेंगे और हम लोग कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को सीख सके। और मेरा वादा है आपसे, अगर आप रेगुलर मेरी क्लास अटेंड करेंगे, रेगुलर मेरी वीडियोज़ देखेंगे, तो आपको कंप्लीट कॉन्सेप्ट जो होगा स्पोकन इंग्लिश का वो मिल जाएगा एंड यू विल बिकम अ गुड स्पीकर। आई एम वेरी श्योर अबाउट इट That a day will come when you will become a good speaker. यहाँ पे speaker बनने का मतलब क्या है? English के language का speaker बनने से मतलब है। मेरी बात समझ में आई? जैसा कि मैंने आपको एक पिछले वीडियो में बताया था, हमने एक वीडियो शूट करी थी लगभग एक महीना पहले, जिसमें था कि 5 easy steps to learn English, जिसमें मैंने बताया आपको कि क्या होता है, ऑब्जर्वेशन एक ऐसा तरीका होता है जिससे हम लोग इंग्लिश को थोड़ा आसानी से लर्न कर सकते हैं। अगर आपको इंग्लिश सीखना है तो यू मस्ट हैव वेरी गुड क्वालिटी ऑफ ऑब्जर्वेशन। इफ यू वॉन्ट टू बिकम अ गुड कम्युनिकेटर ऑफ इंग्लिश देन यू मस्ट हैव वेरी गुड क्वालिटी ऑफ ऑब्जर्वेशन। आपके पास मिररिंग की क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, आप ऑब्जर्व कर सके, जब सामने वाला जिससे आप सीखना चाहते हैं आप उसको ऑब्जर्व करेंगे, उसको देखेंगे, फिर ऐसे ही बोलने की कोशिश करेंगे। तो होता क्या है कि जो एक ऑब्जर्वेशन की क्वालिटी होती है वो क्या होती है, सबसे अच्छी होती है हमें किसी भी लैंग्वेज को लर्न करने के लिए। इतनी बात समझ में आई? तो हम लोग क्या करेंगे, एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और आपको ऑब्जर्वेशन करना है, डेली ऑब्जर्वेशन करना है, आपको वीडियोस को ऑब्जर्व करना है, देखना है और खुद भी प्रैक्टिस करना है सेम वे में बोलने का। ओके, सो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग का डे वन है तो कुछ हम लोग बेसिक से बातें करेंगे। हो सकता है आपको ये लगे कि सर चीज़ें तो हम लोगों को आ रही हैं, लेकिन फिर भी चूंकि हम लोग स्टार्ट तो करेंगे तो जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे, बेस से ही स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आइए कुछ बातें मैं बताना चाहता हूँ आपको। मैं थोड़ा सा फ्लैश बैक में ले चलूंगा। आई विल जस्ट स्टार्ट फ्रॉम यू कैन से जीरो लेवल। यू नो लेटर्स, लेटर्स जानते हैं? लेटर पता है कि नहीं आप सब लोगों को, जिसको अल्फाबेट्स कहते हैं आप लोग, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, तो होता है। तो होता है क्या एक्चुअली में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है ना उसकी प्रोनंसिएशन की, इसका प्रोनंसिएशन कैसे करना है। तो मैं आपको पहले, सबसे पहले इसको आपको मैं आपको इसका प्रोनंसिएशन सिखा देता हूं, आप लोग ये जान लीजिए कैसे इसको हमें प्रोनाउंस करते हैं। ओके, सो ए को हम लोग क्या बोलते हैं, ए। देखिए, यू हैव जस्ट ओपन योर माउथ एंड यू हैव टू प्रोनाउंस इट वेल। ओके, इफ यू जस्ट ट्राई टू प्रैक्टिस विथ मी देन आई एम वेरी श्योर दैट यू विल यू कैन प्रोनाउंस द वर्ड्स इन अ गुड वे। अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो आप हमारे साथ प्रोनाउंस करने की कोशिश करिए। ए इन द सेम वे, बी सी। ओके, सी, सी मतलब देखने वाला, सी एकदम सेम इक्विवेलेंट उसका प्रोनंसिएशन होता है। ये बी जो होता है वो बी डबल ई, मधुमक्खी वाले बी के एग्जैक्टली प्रोनंसिएशन होता है। ओके, डी, देखिए ऐसे ही बोलना है, डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर S T U V W X Y and Z. You must know these letters, how you have to pronounce. Actually, this is the one of the biggest problem I have seen in many students, that even they can speak English well, but still they have very lack of pronunciation in case of दीज लेटर्स। क्या होता है, हम लोग अच्छे स्पीकर्स भी बन जाते हैं तभी भी हम लोगों को प्रोनंसिएशन में दिक्कत आती है। तो इसलिए आपको इसके प्रोनंसिएशन को ध्यान देना है और आपको खुद से भी प्रैक्टिस करना है। ओके, मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे सब लोग, चलिए। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई आई जे के एल एम N O P Q R S T U V W X Y and Z। ये बात समझ में आ गई? अच्छा, अब क्या होता है, हम लोग थोड़ा सा वर्ड्स को जान लेते हैं। वर्ड क्या होता है, जैसे ही लेटर को हम लोग कंबाइन करते हैं, आपस में कंबाइन करते हैं, वो क्या फॉर्म करता है, वर्ड फॉर्म करता है। जैसे मैं बोलूं आपसे, एक वर्ड में लिखता हूं मैन, एक मैंने लिखा, क्या लिखा, मैन। ये क्या है, कॉम्बिनेशन है किसका, एम ए और एन, तीनों का कॉम्बिनेशन है। तो ये क्या है, मैन जो है एक वर्ड है जो क्या है, तीन लेटर्स का कॉम्बिनेशन है। ओके, ऐसे मैं लिखता हूं आई, हालांकि आई दोनों में आता है, एक ये अल्फाबेट में भी आएगा, लेटर में भी आएगा और ये वर्ड में भी आएगा। जब आप ये बोल रहे हैं आई एम राम, तो यहां पर क्या हो रहा है, आई क्या है, एक वर्ड है। ऐसे ही राम लिखा मैंने, हालांकि बाद में भी बताऊंगा आपको कि ये ग्रामर के दृष्टिकोण से यहाँ पे ये नाउन भी है, बट अभी हम लोग वर्ड्स पढ़े तो हम लोग वर्ड्स जानते हैं। इन द सेम वे क्या होता है, सेंटेंस,
हम लोग लेटर जान लिए, वर्ड्स जान लिए और सेंटेंस। सेंटेंस क्या होता है? जब हम लोग वर्ड्स को कंबाइन करेंगे, मीन्स द कॉम्बिनेशन ऑफ टू आर मोर देन टू वर्ड्स फॉर्म्स अ सेंटेंस। आप कैसा कह सकते हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू वर्ड्स। जब कॉम्बिनेशन होगा टू या टू से अधिक वर्ड्स का, वो क्या करता है? एक सेंटेंस फॉर्म करता। ओके, बट दैट शुड बी मीनिंगफुल। उसका जो मीनिंग आना चाहिए कैसा होना चाहिए? वो एक मीनिंगफुल होना चाहिए, एक पॉजिटिव मीनिंग देना चाहिए। ओके, तो हमारा एक सेंटेंस फॉर्म होता है, हमारा एक वाक्य फॉर्म होता है। आप इसके हिंदी ग्रामर में पढ़े होंगे कि वाक्य की डेफिनेशन के बारे में, कि वाक्य क्या होता है? शब्दों का समूह, जो आपको गुरुजी ने सिखाया होगा। ओके, इन द सेम वे हियर इन इंग्लिश अ सेंटेंस इज आल्सो ग्रुप ऑफ वर्ड्स। यू कैन से अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कीप्स अ मीनिंग, दैट गिव्स अ प्रॉपर मीनिंग, जो क्या होता है, एक हमें प्रॉपर मीनिंग देता है। ओके, ये बात समझ में आ गई। चलिए आगे देखते हैं। हम लोग सेंटेंस के पे काम समझ रहे हैं और सेंटेंस पे हम लोग एक चीज ये देखेंगे। जैसे मैंने आपको एक सेंटेंस लिखा, ये बताया मैंने आपको, मैं एक सेंटेंस लिखता हूं ही इज प्लेइंग क्रिकेट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते, ही इज प्लेइंग क्रिकेट कर दे रहे हैं। ओके, हमने एक सेंटेंस लिखा, क्या लिखा है? ही इज प्लेइंग अ क्रिकेट। तो मैंने बताया आपको क्या कि एक्चुअली में क्या होता है, जो हमारा सेंटेंस होता है ये क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। या हमने ये भी सीखा था कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू वर्ड्स भी क्या होता है? वो एक सेंटेंस होता है। ओके, सो हियर वी हैव अ सेंटेंस एंड द सेंटेंस इज ही इज प्लेइंग क्रिकेट। हियर वी आर सीइंग दैट व्हाट? ही इज प्लेइंग क्रिकेट। So in this sentence, what happens? The sentence consists of many parts. We must know and we must be very sure about it. कि एक sentence क्या होता है? वो कई सारे parts को contain करता है। जैसे he क्या है? Subject है। Is क्या है? Helping verb है। Playing क्या है? Main verb है। और cricket क्या है? Object है। क्रिकेट क्या है? ऑब्जेक्ट है। थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में बता देता हूं ताकि हम लोग आगे जो पढ़ेंगे उसमें दिक्कत ना आए। हालांकि मैं आपको एक अलग से बताऊंगा, जब मैं आपको सेंटेंस की स्ट्रक्चर बताऊंगा तो वहां पे हम लोग डिटेल में देखेंगे। सब्जेक्ट क्या होता है थोड़ा जान लेते हैं। व्हाट इज सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस? जो सब्जेक्ट होता है हमारा, एक्चुअल में क्या होता है, इस पूरे सेंटेंस में जो एक्शन हो रहा है ना, उस एक्शन को परफॉर्म करने वाला कौन होता है? सब्जेक्ट होता है। किसी भी वाक्य में जो काम होता है ना, उसका जो कह सकते हैं क्या, एक तरीके से जो लीडर होता है, जो क्रिएटर होता है, जो पिलर होता है सेंटेंस का, एक सेंटेंस में जो कह सकते हैं उसको, जो काम करता है, जो करने वाला होता है, जो एक्शन को काम करता है, वो क्या होता है? हमारा सब्जेक्ट होता है। ओके, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? अभी इसके बारे में बताऊं मैं आपको। है क्या दोनों? ये एक्चुअली में दोनों क्या है? वर्ब है। और वर्ब क्या होता है? एक एक्शन वर्ड होता है, जिससे हमें पता चलता है किसे काम के होने का, जैसे खाना पीना, उठना सोना, बैठना, गाना, आना जाना, जिसमें ना आता है वो क्या होता है? सारा वर्ब होता है। किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर ना आ रहा है हिंदी के, तो वो क्या होगा? वर्ब होगा। ओके, तो यहां पे क्या है? प्लेइंग। जो प्लेइंग कहां से है? प्ले से है। और प्ले मतलब क्या होता है? खेलना होता है। तो लास्ट में ना आया तो ये क्या होगा? वर्ब होगा। और यहां हमने क्या लिखा? क्रिकेट लिखा है। ये क्या है? ऑब्जेक्ट है, जिसको हम लोग कर्म बोलते हैं। ओके, हालांकि मैं आपको भी इसको डिटेल में बताऊंगा। ये बातें हम लोग समझ गए। अब हम लोग थोड़ा सा एक बात और जान लेते हैं। अगर हम लोग ये जान लिए, सेंटेंस हम लोग समझ गए, सेंटेंस को अगर हम लोग समझ गए, तो थोड़ा सा मैं आपको लेके चलूंगा। इसके सब्जेक्ट्स को मैंने बता दिया आपको, अब मैं लेके चलूंगा आपको थोड़ा सा पार्ट्स ऑफ स्पीच की तरफ, पार्ट्स ऑफ स्पीच थोड़ा सा लेके चलूंगा, फिर मैं आपको तुरंत मूव कराऊंगा नेक्स्ट टॉपिक पे। थोड़ा सा मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच की तरफ लेके चलूंगा और मैं आपको सिर्फ रिमाइंड कराना चाहता हूं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या क्या होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या क्या होता है। हमारा नाउन आता है, प्रोनाउन आता है, एडजेक्टिव आता है, वर्ब आता है, एडवर्ब आता है, प्रीपोजिशन आता है, कंजंक्शन आता है और इंटरजेक्शन आता है। ये सारे क्या होते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। और इन द होल वर्ल्ड देयर इज नॉट एनी सिंगल सेंटेंस दैट फॉर्म्स अ पार्ट फ्रॉम दीज पार्ट्स ऑफ स्पीच।
इस पूरे वर्ल्ड में कोई भी ऐसा सेंटेंस फॉर्म नहीं होता है जो पार्ट्स ऑफ स्पीच के अलावा कहीं और से वर्ड है। कुछ भी आप लिखते, जैसे मैंने अभी यहीं पे लिखा, अभी देखिए क्या है, ये नाउन है, ये वर्ब है, और ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट जो एक्चुअली में क्या है, ये भी है। क्रिकेट क्या है, क्रिकेट भी क्या है, एक प्रकार से नाउन है। बात समझ में आई? तो पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होता है, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच अपने अंदर सारे सेंटेंस के सारे वर्ड्स को कंटेन करता है। ओके, ये बात समझ में आई कि हम लोग क्या समझ गए? जो अभी हम आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच डिटेल बताएंगे, जो जिसकी क्लास आपको कल मिलेगी, पार्ट्स ऑफ स्पीच की वीडियो मैं कल आपको दूंगा। और हालांकि मैंने इसको पहले से पढ़ा चुका हूं मैं आपको, आप वहां से जाकर के हमारी स्पोकन इंग्लिश के प्लेलिस्ट में जाकर के आप पार्ट्स ऑफ स्पीच की वीडियो को देख सकते हैं। हालांकि फिर भी मैं फिर से कल बताऊंगा आपको इसके बारे में डिटेल बताऊंगा, ठीक है। आइए हम लोग उसको सेकंड सेक्शन को देखते हैं, दूसरे सेक्शन को उसको देखते हैं। ओके, नाउ कम ऑन द नेक्स्ट टॉपिक। एक टॉपिक हमने देख लिया, हमने कहा था आपसे कि जो हमारी क्लास होगी वो तीन पार्ट में होगी, इस बात को ध्यान से जान लीजिए, ठीक है। हमारी जो क्लास होगी वो क्या होगी, डेली तीन पार्ट्स में होगी। द फर्स्ट वाला विल बी पार्ट विल बी ऑफ बेसिक ग्रामर। फर्स्ट पार्ट क्या होगा हमारा, बेसिक ग्रामर का होगा। सेकंड पार्ट हमारा जो होगा वो वर्ड का होगा, वर्ड पावर का होगा। और जो थर्ड पार्ट हमारा होगा वो होगा हमारा किसी इंपॉर्टेंट टाइप के सेंटेंस स्ट्रक्चर पे, किसी मॉड्यूल पे बेस्ड होगा। आइए हम लोग देखते हैं, एक बड़ा फेमस सेंटेंस है और जिसको हम अक्सर अपनी पहली क्लास में बताते हैं, ऑफलाइन क्लास में भी हम इसको फर्स्ट डे बताते हैं ताकि हम लोग इसको आसानी से समझ सके। फॉन्ड ऑफ एक वर्ड होता है, फेज होता है, फॉन्ड ऑफ, आप लोग इससे शायद परिचित हो। फॉन्ड ऑफ क्या होता है, फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है शौकीन होना, शौक रखना। फॉन्ड ऑफ क्या होता है, शौकीन रखना, शौक होना। हालांकि इस समय हम लोग घर पे हैं, नाउ वी आर स्टेइंग एट आवर होम्स, सो वी कैन डिस्कस अबाउट आवर विशेस। हम लोग अपनी इच्छाओं के बारे में डिस्कस कर सकते हैं, हम अपने शौक के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड डिस्कस ऑन दिस वन। तो हम लोग फॉन्ड ऑफ पे डिस्कस करते हैं। फॉन्ड ऑफ का मतलब क्या होता है, शौकीन होना या शौक रखना हम लोग इसको बोलते हैं, ठीक है। इसको हम लोग यूज वहां पे करते हैं, वी आर यूजिंग दिस वन एट दैट प्लेस इफ यू वांट टू डिस्कस अबाउट द विश ऑफ एनीवन, द डिजायर ऑफ एनीवन। जैसे किसी का शौक क्या, कि मेरा शौक मान लीजिए क्या है, वीडियो बनाना है। आपका शौक है खाना खाना ना, आपका शौक है टहलना, तो आप क्या कह सकते हैं, आई एम फॉन्ड ऑफ ईटिंग, आई एम फॉन्ड ऑफ वॉचिंग, आई एम फॉन्ड ऑफ प्लेइंग। तो हो क्या रहा है यहाँ पे, फॉन्ड ऑफ से हम लोग क्या डिनोट कर पा रहे हैं, अपने शौक को डिनोट कर पा रहे हैं, जो हमारी शौक है ना। या तो बोले तो किसी सब्जेक्ट के शौक की बात कर लें, क्या राम इज फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट ना, राम क्या है, क्रिकेट खेलने का शौकीन है। ये बात समझ में आई? तो फॉन्ड ऑफ मतलब क्या होता है, शौकीन होता है या शौक रखना होता है। इसके हिंदी को अगर मैं लिख दूँ तो, वैसे लिख ही देता हूँ, वैसे मैं हिंदी लिखना चाहता नहीं था। शौकीन होता है, शौकीन होना या शौक रखना, ये होता है फॉन्ड ऑफ को। फॉन्ड ऑफ का मतलब शौक रखता था या शौक रखते हैं, दोनों केस में हम लोग इसको यूज करते हैं। और जो उसका यूज होता है हम लोग दोनों में करते हैं, प्रेजेंट में भी करते हैं और पास्ट में भी करते हैं। ओके, आइए थोड़ा सा हम लोग इसके एक एग्जांपल को देख लेते हैं। ही इज फॉन्ड ऑफ प्लेइंग। एक दूसरा एग्जांपल भी देख लेते हैं। I am fond of a book। दोनों में आपको अंतर देखना, यहां पे क्या हो रहा है, वर्ब आया इसलिए हम लोग ing यूज किए यहां पे, और यहां पे सिंपल से नाउन इसलिए हमने एज इट इज इसको अप्लाई किया यहां पे, ठीक है। इस बात को आपको समझना है, इसलिए हम लोग क्या, इसके जो सेंटेंस जो इसका स्ट्रक्चर होगा, जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा इसका, इसको हम लोग कैसे फॉर्म कर सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब में क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इज एम आर वॉज वर्क, इज एम आर वॉज ऑब्लिक वर्ब, इतने सारे हम लोग क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स का यूज कर सकते हैं। प्लस हाँ इधर आ जाएगा फॉन्ड ऑफ, फॉन्ड ऑफ बात हम यहां लिखते हैं। और अगर आप वर्ब लिख रहे हैं यहां पे ना, अगर वैसे तो यहां पे जनरली फॉन्ड ऑफ के बाद ऑब्जेक्ट होगा, लेकिन अगर आप वर्ब यूज करेंगे तो वर्ब की क्या होगी, वर्ब में आपको आईएनजी फॉर्म यूज करना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया मेरा इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर, ये हो गया सेंटेंस स्ट्रक्चर। इस सेंटेंस स्ट्रक्चर पे आप बहुत सारे सेंटेंस को फॉर्म कर सकते हैं। आइए देखते हैं, आइए कुछ सेंटेंस देखते हैं।
जैसे एक मैं सेंटेंस लेता हूं, एक मैं एग्जांपल लेता हूं, आई एम फॉन्ड ऑफ मैंगो। मैं किसका शौकीन हूं? मैंगो का शौकीन हूं। मैं किसका शौकीन हूं? मैंगो का शौकीन हूं। लेकिन जब मैं किसी वर्ब की बात करूं, जब मैं किसी एक्शन की बात करूं, जैसे मैं बोलूं आपसे आई एम फॉन्ड ऑफ वॉकिंग, मैं किसका शौकीन हूं? वॉकिंग का शौकीन हूं। तो जब मैं वॉकिंग बोल रहा हूं तो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं? वर्ब में आईएनजी ऐड कर रहा हूं। आई थिंक यू ऑल आर गेटिंग दिस पॉइंट्स। मींस व्हाट? यू हैव टू यूज दिस फॉन्ड ऑफ इन टू वे। फर्स्ट यू हैव, इफ यू आर यूजिंग वर्ब आफ्टर फॉन्ड ऑफ देन यू हैव टू इंसर्ट आईएनजी, एंड इफ यू आर यूजिंग सिंपल सेंटेंस देन यू जस्ट हैव टू यूज सब्जेक्ट देन हेल्पिंग वर्ब देन फॉन्ड ऑफ एंड आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? Actually, what happens? This is also object, but though the object is a verb, so we are using ing in that particular object. Are you getting my points? इसके बारे में आपको मैं डिटेल में भी बताऊंगा फिर बाद में, ठीक है? इसको हम लोग दोनों केस में यूज करते हैं, प्रेजेंट में भी यूज करते हैं, पास्ट में भी यूज करते हैं। अब जैसे अब आप लोग घर पे हैं, तो आज आप सब लोग हमें बताएंगे अपने शौक के बारे में। हमें कमेंट भी करिएगा आप लोग कि आप लोग कौन कौन सा शौक रखते हैं। आपके पापा की क्या शौक है, आपके घर में मम्मा की क्या शौक है ना, आपकी क्या शौक है? आप चाय के शौकीन हैं, आप टी के शौकीन हैं, आप बाहर घूमने के शौकीन हैं लेकिन इस समय जा नहीं पा रहे हैं ना, शौक तो है ही है। तो हम लोग शौक की बात करेंगे, कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे ये तो फिर बाद में जानेंगे, बट अभी क्या है हम लोग की कौन कौन सी फॉन्ड है, हम लोग की कौन कौन, हम लोग किस किस का शौक रखते हैं, किस किस का शौकीन है, ये बात समझ में आई? आइए अब हम लोग आज क्लास के तीसरे पार्ट पे चलते हैं। जो हमने कहा था आपसे, पहला पार्ट बेसिक ग्रामर का होगा, दूसरा पार्ट मान लीजिए किसी मॉड्यूल या इंपॉर्टेंट सेंटेंस का होगा, तीसरा पार्ट हमारा होगा जो होगा वो वर्ड का होगा। ये देखते हैं, वर्ड्स को देखते हैं, और डेली हम लोग तीन पार्ट में क्लास को कंसिस्ट करेंगे, जिससे क्या होगा हम लोग अपना जो सिलेबस है वो 20 डेज के अंदर फिनिश कर पाएंगे। रेगुलरली हम लोग काम करेंगे, डेली टाइम से काम करेंगे, तो चीज़ें हम लोगों को अच्छे से समझ में आएंगी और बेहतर होंगी, ठीक है? आइए देखते हैं। अब मैं बात करूंगा आपसे वर्ड पावर पे, और वर्ड पावर में मैंने कहा था आपसे कि एक हम लोग अलग सीरीज पे काम करेंगे, एक रूट वर्ड के सीरीज पे काम करेंगे, जिससे क्या होता है वहाँ पर हम लोग एक वर्ड से कई सारे वर्ड सीख सकते हैं, एक वर्ड से कई सारे वर्ड सीख सकते हैं, कई सारी रूट वर्ड्स की सीरीज आपको मिलेगी। अगर आप जाएंगे लिंक में, वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर बहुत सारी लिंक है, या आप अगर प्लेलिस्ट में जा रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको रूट वर्ड्स की सीरीज मिलेंगे। लेकिन फिर भी आइए हम लोग देखते हैं, एक रूट वर्ड से स्टार्ट करते हैं, श्री गणेशाय करते हैं। आज पहला दिन है इसलिए हम लोग आसान सा ही रूट वर्ड लेंगे। आइए, रूट वर्ड सब लोग जानते होंगे क्या होता है, आई थिंक यू ऑल नो व्हाट इज रूट वर्ड। नहीं जानते हैं? कोई बात नहीं, डोंट माइंड इट। एक्चुअली व्हाट हैपेंस, रूट सबको पता होगा क्या होता है, रूट मतलब होता है जड़। जैसे कोई प्लांट होता है तो किसी प्लांट की क्या होती है, एक रूट होती है, उस रूट से बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं, उस रूट से बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं, ओके? तो अब क्या होता है, जितने भी ब्रांचेस उस रूट से निकलेंगे वो एक्चुअल में क्या होगा, वही क्रॉप होगी, वही फसल होगी, वही फ्रूट होगा जिसकी वो रूट होगी। इन द सेम वे यहाँ पे क्या होता है, हम लोग एक वर्ड पढ़ते हैं और एक वर्ड से ढेर सारे वर्ड्स को खुद से फाइंड आउट कर लेते हैं, खुद से हम लोग क्रिएट कर लेते हैं। आइए देखते हैं कैसे करते हैं। जैसे मैं एक वर्ड लेता हूँ, पहला वर्ड लेता हूँ फर्स्ट डे, तो आसान सा वर्ड है ग्राफ, जी आर ए पी एच। स्पेलिंग क्लियर हो रही है? आई थिंक यू ऑल आर, यू कैन सी दिस क्लियरली। ग्राफ है, जी आर ए पी एच है ग्राफ। ग्राफ मतलब होता है टू राइट, किसी चीज को क्या होता है, रिकॉर्ड बनाना होता है या लिखना होता है, टू राइट होता है, टू राइट, या टू मेकिंग रिकॉर्ड होता है, या कह सकते हैं कि टू ड्राइंग सम स्केच, जहां पे हम लोग कुछ लिखने की बात करते हैं, कुछ रिकॉर्ड बनाने की बात करते हैं, कुछ स्केच बनाने की बात करते हैं, वहां पे क्या होता है ग्राफ। और एक्चुअली में क्या होता है, ये ग्राफ अपने जिस फॉर्म में यूज होता है वो होता है जनरली ग्राफी, जी आर ए पी एच वाई, ग्राफी के फॉर्म में यूज होता है, ओके? अब आइए देखते हैं हम लोग कैसे इससे ढेर सारा सेंटेंस, कैसे इससे ढेर सारा हम लोग वर्ड्स क्रिएट कर सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, दो काम करेंगे, इस ग्राफ में या तो प्रीफिक्स ऐड करेंगे या सफिक्स ऐड करेंगे।
और प्रीफिक्स मतलब क्या होता है, हिंदी में आपको गुरुजी ने पढ़ाया होगा कि ये क्या होता है, जो सेंटेंस जो सॉरी जो किसी वर्ड के स्टार्टिंग में लगता है वो प्रीफिक्स होता है और जो लास्ट में लगता है वो सफिक्स होता है. ओके, सो वी हैव टू ऑप्शंस. इफ यू वांट टू क्रिएट मोर वर्ड्स फ्रॉम द गिवन सिंगल रूट वर्ड्स देन आइदर वी हैव टू ऐड प्रीफिक्स आर यू हैव टू ऐड सफिक्स. सो इफ यू आर जनरली वी आर यूजिंग सफिक्स इन दैट एंड नाउ सीइंग द सम एग्जांपल्स. लाइक एक एग्जांपल मैं लिखता हूं बायोग्राफी, बायो प्लस ग्राफी, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा जल्दी बताइएगा. जो लोग पुराने स्टूडेंट्स हैं वो तो उनको तो पता ही होगा. बायोग्राफी बायोग्राफी मतलब होता है, बायो मतलब होता है क्या, लिविंग बींग, बायो मतलब होता है लिविंग बींग, ग्राफ मतलब होता है लिखना, किसी भी लिविंग बींग के बारे में लिखना है, किसी लिविंग बींग के बारे में कुछ रिकॉर्ड बनाना वो क्या होता है, बायोग्राफी. तो जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, जीवनी कहते हैं, हिंदी में जीवनी कहते हैं. तो बायोग्राफी क्या होती है, किसी की लाइफ स्टोरी होती है, किसी की क्या होती है, लाइफ स्टोरी होती है, किसी की लाइफ स्टोरी होती है. ऐसे हम लोग और भी ढेर सारे एग्जाम्पल्स बना सकते हैं. आइए मैं दिखाता हूँ आपको कुछ एग्जाम्पल्स और देखते हैं. इसको मिटाता हूँ मैं, आप इसका स्क्रीनशॉट या इसकी नोट्स बनाते चलेंगे, साथ में कॉपी कलम को लेके चलेंगे ताकि हमें वर्ड्स को पहचानने में ज़्यादा फायदा हो. आपको भी बहुत सारे वर्ड्स आप खुद से भी सोच सकते हैं, बहुत सारे वर्ड्स आप खुद से भी सोच सकते हैं. जैसे हमने क्या बताया, अभी बायोग्राफी बताया, आप जब बायोग्राफी मैंने बताया तो आपके दिमाग में जरूर एक वर्ड ये वाला आया होगा, क्या, ऑटोबायोग्राफी, ऑटो प्लस बायो प्लस ग्राफी. ऑटो मतलब क्या होता है, सेल्फ होता है, बायो मतलब होता है लाइफ, और ग्राफी मतलब होता है टू राइट या लिखना. तो अब यहां पे क्या होगा, टू राइट समथिंग अबाउट वन सेल्फ, कोई व्यक्ति अपने बारे में खुद से खुद के बारे में लिखेंगे तो वो क्या होगा, ऑटोबायोग्राफी होगा, ऑटोबायोग्राफी होगा. ठीक है, ऐसे हम लोग जानते हैं कि हम बड़ा फेमस सब्जेक्ट जिसको हम लोग क्लास फर्स्ट से पढ़ते हैं, जियोग्राफी, जियो प्लस ग्राफी. जियो मतलब सबको पता है क्या होता है, अर्थ होता है. ग्राफी मतलब क्या होता है, लिखना होता है, रिकॉर्ड बनाना होता है, टू राइट होता है. तो क्या होगा यहाँ पे, जियोग्राफी, जियोग्राफी. ये बात समझ में आ गई. ऐसे ही आजकल हम लोगों के प्रचलन में है फोटोग्राफी, फोटोग्राफी. कैलियोग्राफी कर सकते हैं, कैलियोग्राफी कर सकते हैं. ठीक है, ऐसे मतलब ढेर सारे एग्जांपल आप खुद से भी क्रिएट कर सकते हैं. इसके अलावा आप खुद से अपने कुछ देखिए, आपको बहुत सारे वर्ड्स अभी आपको दिमाग में आ जाएंगे एक साथ. कभी कभी हम लोग बहुत सारे वर्ड्स नहीं आते हैं, तो आप ऐसे वर्ड्स सोचेंगे तो आपको बहुत सारे वर्ड्स मिलेंगे जिसमें आप ग्राफ वर्ड को ऐड करके, लास्ट में ऐड करके, कभी स्टार्टिंग में ऐड करके आप ढेर सारे वर्ड्स क्रिएट कर सकते हैं. ठीक है, तो मित्रों आज के लिए इतना ही. हम लोग नेक्स्ट डे देखेंगे, अगली वीडियो में कल देखेंगे. कल मैं आपको डे टू का प्लान बताऊंगा जिसमें आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच और एक दूसरा मॉड्यूल लेकर के और कुछ नए रूट वर्ड्स लेकर के मैं आप लोगों के बीच में आऊँगा. आज के लिए इतना ही. हाँ, अगर आपको कुछ बातें इसमें समझ में नहीं आई हो या कम समझ में आई हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, हम उस चीज़ को डाउट क्लियर, आपको वो डाउट क्लियर करने की कोशिश करेंगे. बहुत बहुत धन्यवाद.